दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 1257 किलोमीटर है और पंजाब विच इसकी लंबाई लगभग 155 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेस वे 8 भागों विच बनाया जा रहा है, जो 5 ग्रीनफील्ड अते 3 ब्राउनफील्ड है। पंजाब का भाग 155 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है। ये भाग कपूरथला के टिब्बा पिंड तो शुरू होकर डबली बठिंडा रोड से संगत कलां तक है। ये 155 किलोमीटर नू 3 पैकेजां विच वंडिया गया है। और दोस्तों, पहला पैकेज है तो दोस्तों पहला पैकेज है 39 किलोमीटर, जो पिंड टिब्बा तो धर्मकोट तक है। ये GRIL कंपनी कोल है। ये 0.65 तो 39 किलोमीटर तक है। ते दूसरा पैकेज धर्मकोट तो दयालपुरा भाईका, जो 54 किलोमीटर है। ये 39 किलोमीटर तो 93 किलोमीटर तक है, जो कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी कोल है। अते तीसरा पैकेज दयालपुरा भाईका तो संगत कलां तक है, जो 61 किलोमीटर 866 मीटर है। ये भी कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी कोल है। तो दोस्तों, कुल मिला के 154 किलोमीटर 866 मीटर बनता है। पूरा ग्रीन फील्ड बनना है। ये 87 पिंड आते हैं। आओ जानते हैं किड़े पिंड आते हैं। सब तो पहला टिब्बा, बिधीपुर, दौला, लेजू, भम्मण, खोखर, कदीम जजीद, बडेलखुदा, बखशीसवाला, बडेल हरनामपुर, मेवा सिंह वाला, बडेल मौजा, रणधीरपुर, डेरा सैदन, गिल, उर्कपुर, लोहिया खास, सिद्धूपुर, गुद्दूवाल, नमा पिंड, खोसा, कंग कलां, ककड़वाल, कमलपुर, पुनिया, म्याणी, सैद जलपुर, मिर्जापुर, रहरबान, चिराग शाह वाला, बकरवाला, मौजगढ़, कैला, धर्मपुर, लोराग, जलावाद, दत्ता, रौली, चगावा, खेड़ा सवाद, भोगीपुर, डल्ला, धूरकोट कलां, धूरकोट टहली, रामूवाला नमा, रामूवाला हरचौके, रामूवाला कलां, रैना, बुरज दुन्ना, घोलिया खुरद, माणूके, खोटा, बरे वाला, दीदारे वाला, पत्तो दीदार सिंह, पत्तो हरी सिंह, रौंता, खाई, दीना, किशनगढ़, गौसपुर, दयालपुर भाईका, भाई रूपा, गुमटी कलां, सेलबरा, सदाना, पैनी, संदली पत्ती महाराज, माड़ी, सोल पत्ती महाराज, काला पत्ती, करमचंद पत्ती महाराज, लहरा मोहब्बत, लहरा बेगा, लहरा खाना, चक बख्तू, चक राम सिंह वाला, चक फतेह सिंह वाला, मानसा खुरद, मानसा खुरद तो बाद राय खाना, धन सिंह खाना, कोटपत्ता, कोट शमीर, काले बंदर, शेरगढ़, भगवानगढ़, भुखिया वाली, दुने वाला, मसाना, संगत कलां। तो दोस्तों, ये पिंड आते हैं इस रोड विच। और जे किसी पिंड का नाम गलत बोलिया गया तो माफ़ी चाहते हैं। और दोस्तों, ये
ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।